ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन युवाओं को कौशल आधारित कार्यों में संलग्न और अपने कौशल का उपयोग करने और अपने करियर के लिए तैयार रहने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। इस विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे आसाम स्किल यूनिवर्सिटी मंगोलदोय आसाम के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप ज्योति गुरुंग से ली गई एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। डॉक्टर गुरुंग, सबसे पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर गुरुंग। बहुत ही सिंपल वर्ड में आपसे पूछे कि आप विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? विश्व युवा कौशल दिवस के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसा एक दिवस की जरूरत हमें पहले से थी। पहले ही 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को रखा और हम उसके बाद प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमें बहुत पहले से थी। यदि हम कौशल को उतना ही ध्यान देते जितना अब हम देना चाहते हैं, तो अब हमारे समाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है, जो लोगों को इश्यूज है, वो फील नहीं करते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं ये जॉब कर पाऊंगी या वो जॉब कर पाऊंगा, ये कमी नहीं होती, तो हम इस गैप को बहुत पहले ही कम कर सकते थे। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है ताकि हम लोगों में ये बात को उजागर कर सके कि ये अति आवश्यक है कि लोग अपने स्किल्स को डेवलप करें, अपने कौशल पे ध्यान दे सके। जी इतना ही है। तो आज के तेजी से बदलते जॉब मार्केट में हमें युवाओं में कौशल विकसित करने की जरूरत है, तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? बहुत जरूरत है हमें कि हमारे युवा कौशल हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, जिस तेजी से टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजों का को हम देख रहे हैं, तो क्या हमारे युवा तैयार हैं? ये हमें जानने की जरूरत है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार कहते हैं कि गैप है इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच में, सब बहुत बार हमारे न्यूज़पेपर में मीडिया में हम अक्सर देखते हैं, लेकिन ये गैप क्या है, क्यों है ये गैप, तो हमें किस प्रकार की कौशल को ढूंढना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए, इसके बारे में हमें ज्ञान रखना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, जिस तेजी से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम कुछ समय पहले हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते वक्त लोगों को दिक्कत होती थी, अब वहां से लेकर हम AI बेस्ड ब्राउजिंग कर रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो हमें ये कौशल हमें चाहिए लोगों में कि हम इनके साथ कैसे काम कर सकते हैं। हम बहुत सारे तरीके से अपने युवाओं को तैयार कर सकते हैं ताकि वो कहीं नौकरी के ही तलाश में ना रहे, बल्कि अपना ही कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरल रास्ते में लग सकते हैं, अपने सॉफ्ट स्किल पे ध्यान दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कलाएं हैं जिस पर हमारे युवा एक्चुअली काम कर सकते हैं ताकि इस नए दौर के नौकरी के लिए तैयार हो सके। जी अब हम बस ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लोग चाहिए जिसको कंप्यूटर आती है, वो पुरानी बात हो गई। अब ढूंढते हैं हम वो लोग जो डेटा एनालिसिस का काम कर सके, जिसे आता हो कि कोडिंग कुछ तो आता हो, जिसे कुछ जो बिग डेटा पे काम कर सके, तो हमें यहाँ जाना होगा। और अगर हम देखते हैं पुराने जमाने में जो हमारे क्राइटेरिया होते थे लोगों को सिलेक्शन के लिए, उनमें अब ये आवश्यक है कि लोग कम्युनिकेशन भी कर सके, बातचीत कर सके, क्रिटिकल थिंकिंग ढूंढा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ढूंढा जाता है, इनकी भी आवश्यकता है। जी, उसके ऊपर अगर आप कहीं भी जाएंगे किसी भी अच्छे कंपनी में, तो देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि आप बस नौकरी लेकर नहीं रुक जाएं, आप नौकरी लेते पढ़ाई आगे करें, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स करें या किसी यूनिवर्सिटी में छोटे सा कोर्स करें, किसी IIM में कुछ 15 दिन का ही कोर्स करें, लेकिन कंटिन्यूअस लर्निंग होनी चाहिए। जी, तो मांग इन लोगों की है आप जो सीखना नहीं रुकना चाहते हैं, जी जो जॉब के बाद में भी आगे और सीखने का की इच्छा रखते हैं, और सबसे बड़ी जरूरत है लोगों में इनोवेटिव आइडिया की, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप अपना ही कुछ शुरू कर रहे हो, किसी भी फील्ड में इनोवेटिव थिंकिंग की बहुत आवश्यकता है और हमें ऐसे कौशल की जरूरत है। जी, तो बात कहते हो आपने एक वर्ड यूज किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड्स है बहुत ही ट्रेंडिंग में है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से भी हम यूथ को, पर्टिकुलरली यूथ की बात कर रहे हैं, तो यूथ को स्किल्ड बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, एक समय था कि लोग सोचते थे कि कंप्यूटर बस वो लोग चला सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर में कोर्स किया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी वो अच्छा खासा कंप्यूटर चला लेते हैं। उसी प्रकार से अभी हमें लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ी चीज है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये भी कल हमारी जिंदगी में आम बात होने वाली है। अब आप व्हाट्सएप पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख सकते हैं, आप वेब किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में वहीं पे इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, आपके लैपटॉप्स में, फोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट आ रही है। जी। लेकिन इसके साथ हम करेंगे क्या, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसका हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं,
कहाँ उपयोग कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेकर आप किसी भी फील्ड के हो, आप उस पर काफी आगे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने फिनेंस के फील्ड में देखा है, बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में वो ढेरों सारे रिसर्च करके काफी डेटा को एनालिस करके रिजल्ट लाते थे, और उसमें काफी समय लगता था। लोग अभी कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का इस्तेमाल करते हैं जो इनको सरल तरीके से इस जो डेटा है इसका मीनिंग निकालने में मदद करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में ही वो लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड में जहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हमारे युवाओं को जानना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जी जी इसके लिए हमें बेसिक नॉलेज की तो जरूरत बहुत है। तो युवाओं की ही बात करें तो युवाओं को भविष्य के लिए जो आवश्यक जो नीडफुल जो कौशल या तो स्किल कहें विकास के लिए शैक्षिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या भूमिका निभा सकते हैं? एजुकेशन इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत बड़ा योगदान चाहिए इस कौशल को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले है कि जो हम ट्रेडिशनल सोच रखते हैं कि बच्चा बीए कर ले, एमए कर ले, उसके बाद इसकी तो नौकरी हो जाने वाली है, या बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, किसी भी स्ट्रीम के हो, हम सोचते हैं कि हम पहले सोचते थे कि ये डिग्री ये सब ले ले फिर उससे नौकरी तो हो जानी है, जबकि हम अभी जानते हैं कि सच्चाई बहुत अलग है। अब हमें बस ऐसे डिग्रियों से नहीं चल रहा है, और हमें बहुत बार, जैसे मैंने पहले भी बताया था, बहुत बार ये खबर मिलती है कि लोगों के पास डिग्री है लेकिन वो नौकरी के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? यानी कि उनके पास डिग्रियां होती है लेकिन कौशलता नहीं होती, जी और ये कौशलता हमारे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमारे एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी वो बोल रहे हैं कि जैसे भी हो एक कौशल का कोई कोर्स रख दो, उन्हें सीखना ही चाहिए कुछ ना कुछ कोर्स जो स्किल डेवलप करे, और ये बहुत जरूरत है ताकि बच्चे सीख सके कुछ ना कुछ नया। दूसरी बात है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बस ऐसे ना हो कि लोग बस थ्योरी याद कर रहे हो और जाके एग्जाम में लिख रहे हो, इसकी प्रैक्टिकलिटी को भी हमें समझना चाहिए। जी आखिर हम अगर कुछ सीखते हैं तो इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, जी किसी भी फील्ड का हो, साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो इंग्लिश हो, इसमें हम स्किल कैसे ला सकेंगे, ये एक चैलेंज कंटिन्यूस देना चाहिए। जी हमारे टीचर्स को भी ट्रेन होना पड़ेगा, हमारे स्टूडेंट्स को भी उतना ही इच्छा देना पड़ेगा, और इट्स अ 360 डिग्री थिंग, आपको पूरे तरीके से कौशल में ध्यान देना पड़ेगा जी ताकि ये कौशल स्किल डेवलपमेंट एक किसी की ना मजबूरी में ना करना पड़े लेकिन ये एक लाइफस्टाइल चॉइस हो जाए। जी लोग खुद ही मान ले कि मुझे बस पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ और सीखना है, कुछ नया करना है, ये जिज्ञासा लोगों में डालने की बहुत जरूरत है। तो और एक बात आम है कि आज बेरोजगारी जो है हर जगह है, ऐसे में आज के युवा खुद को कैसे प्रभावी ढंग से तैयार करें ताकि उन्हें भविष्य में यानी फ्यूचर में बेरोजगारी का सामना न करना पड़े? बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत समय से रही है, इसके पीछे बहुत सारी चीजों का कारण है। मैं सब पे तो ध्यान नहीं दे सकता, सबके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ चीज जैसे कि एक हम जो रख लेते हैं कि बस जब वहां नौकरी मिलेगी तभी करूंगा, या जब वो नौकरी देंगे चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर कोई कंपनी हो, जो हम वहीं रुक जाते हैं, अटक से जाते हैं और मान लेते हैं कि वो नहीं तो कुछ नहीं, ये सोच बदलनी होगी। ऐसा जरूरत नहीं है कि सरकारी नौकरी ना हो तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, और मैंने बहुत बार देखा है कि अच्छे खासे लोगों को, बड़े पढ़े लिखे लोगों को सेक्रीफाइस करते हुए अपनी अपनी एजुकेशन को यही सोच के कि सरकारी नौकरी चाहे छोटी पद है मुझे यही लेना है। इस प्रकार के हमारे बहुत सारे सोच है जिस समय बदलना चाहिए। हम जी क्यों ऐसा नहीं करते कि जो समय, जो हम काफी समय किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इंतजार में ही बिता देते, उस समय में हम अपने कौशल पे क्यों नहीं ध्यान दे सकते? हम 3 महीने में कुछ सीख सकते हैं, 6 महीने में कुछ सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम बस डिग्री लेके खुश हो जाते हैं और ये नहीं देखते कि इसके रिलेटेड हमारे स्किल्स क्या क्या जरूरत है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने बीए कर रखा है, बस बीए इंग्लिश में किया है, तो क्या इसके रिलेटेड आपको स्किल डेवलपमेंट कर कोर्स नहीं कर सकते थे? जैसे अभी तो हमारे स्वयं के प्लेटफॉर्म से आप वहां पे बैठ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेस से आप बीए इंग्लिश से जर्नलिज्म का रास्ता देख सकते हैं, बीए इंग्लिश से आप राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग का फील्ड देख सकते हैं, इस तरीके से आप तैयार हो सकते हैं। जी दूसरी बात है कि आपको अपने इन्हीं बस नौकरियों का सवाल नहीं है, क्या आप खुद कुछ शुरू कर सकते हैं? क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास क्या कोई कौशल है, क्या हम किसी कौशल पे या फिर वो काम कर सकते हैं, हमारे क्या अपॉर्चुनिटीज है हम जहाँ रहते हैं, ताकि हम इसका इस्तेमाल करके हम कुछ अपना ही क्यों नहीं शुरू कर दें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे लोग जिसके पास कुछ नहीं था वहां से अपना ही कुछ स्थापना करके काफी आगे निकल चुके हैं। हम इन बातों पर भी ध्यान दे सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की भी उतनी ही जरूरत है जितना हम नौकरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात करें या तो स्किल्स की बात करें, अपॉर्चुनिटीज सभी को बराबर मिलना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बहुत जरूरत है। देखिए, ये बहुत बार हुआ है कि हमारे स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है और बहुत सालों से एक्चुअली है, और अरुणाचल में भी है, इस प्रकार से सारे नॉर्थ पूरी इंडिया में है, कितने लोगों को पता है? ये सबको अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब लोगों को पता तो होगा कि हाँ जी हम यहाँ जा सकते हैं, हम ये कुछ सीख सकते हैं। दूसरी बात है
कि जब हम स्किल डेवलपमेंट के लिए निकलेंगे तो हमें क्या फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी? कुछ लोग होते हैं उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, तो क्या उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अब जो आगे निकल के आ सके, कि वो अपनी स्किल पे काम कर सके? कई लोग, कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों का ही ध्यान हमें बदलना पड़ता है। जैसे कि बहुत समय तक ऐसा हो रहा था कि जब कोई लोग नॉर्मल या ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ के स्किल एजुकेशन तरफ लगते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये तो कोई छोटा मोटा ही जॉब करेगा। इस प्रकार की थिंकिंग को बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बस छोटा मोटा ही जॉब करे, वो कुछ स्किल ले रहे हैं। जी प्लस हमारे सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो जो लोग पीछे हैं, जहाँ दूर दराज में हैं, जिनके पास सारी सुविधा नहीं, क्या हम उन तक स्किल ट्रेनिंग पहुंचा सकते हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी तो सब प्रकार से हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन सारे लोगों को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। और हर कम्युनिटी में भी हम जाके देख सकते हैं कि हर कम्युनिटी का अपना ही कुछ स्किल भी रहता है। जी जैसे कि किसी की अपनी फार्मिंग टेक्निक काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग रहती है। जैसे हमारे आपातानी कम्युनिटी के बारे में हम जानते हैं, या फिर हम किसी ट्रेडिशन में देखते हैं जहाँ म्यूजिक बेस्ड उनका कुछ काफी स्पेशल टैलेंट रहता है। इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। इन स्किल्स को भी हम कैसे बाहर निकाल सके, जी ताकि बाहर ला सके, ताकि लोग भी जान सके इन स्किल्स के बारे में और सबको बराबर मौका मिल सके। इस जी प्रकार के एक एनवायरमेंट को क्रिएट करना बहुत जरूरत है। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली इंडिया में, हम सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन की ही बात करते हैं, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ, या तो हम कह सकते कि टेक्निकल एजुकेशन हुआ, वो कितना इम्पोर्टेंट है? अब तो जो नया एजुकेशन पॉलिसी से मैं बात कर रहा था आपके, उसके तहत पहले से सरकार कोशिश तो कर रहे थे लेकिन इतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए हैं लोगों को। पहले तो जरूरत है कि लोगों को पहले आइडिया तो आए कि क्या है ये वोकेशनल ट्रेनिंग, क्या सीख सकते हैं हम इसमें, और इसके बारे में अवेयरनेस देने की जरूरत है। बहुत सारे ITI है जहाँ सीट्स रहती है, कोई एडमिशन नहीं लेता है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स है जहाँ पे कोई है ही नहीं सीखने के लिए। तो उन संस्थाओं के बारे में लोगों को पता चलना चाहिए, इनमें क्या अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्ञान आना चाहिए। बस किसी पेपर में कभी साल में एक बार दो बार विज्ञापन देने से नहीं चलेगा। एक कंटिन्यूस नॉलेज सिस्टम बनना चाहिए, और दूसरा अप्रोचेबल भी होना चाहिए। कभी कभी लोग बड़े बड़े नाम देख के पीछे हट जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, यहाँ नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, उन तक जाने का रास्ता भी बताना चाहिए क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम युवाओं के साथ इंगेज तो हो। अगर हम देखेंगे कि किसी संस्था को कोई युवा ही प्रमोट करे, जैसे आजकल हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे युवा हैं जो खुद ही किसी चीज का प्रमोट करें, काफी यूथ इंगेज हो जाते हैं उसके साथ। हम इन्हीं जी युवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो इस प्रकार की संस्थाओं को, इस प्रकार के कार्यक्रम का, इस प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बता सके। दूसरी बात है कि क्या होता है अगर आप एक वोकेशनल कोर्स कर लेते, इसके बाद क्या? ये काफी सवाल रहता है। लोग क्या देखते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन में मैंने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो कुछ ना कुछ तो नौकरी मिल जाएगा। और फिर अगर मैं सोचूं कि मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग करी, फिर इसके बाद क्या? ये जो सवाल रह जाता है, अंधेरा जो रह जाता है, इसके डर से ही बहुत लोग वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं करते। हमें ये दिखा सकना चाहिए कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग का इंडस्ट्री के साथ क्या ताल्लुकात है, हम जी कैसे इनको प्लेसमेंट में मदद कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में इस स्किल की क्या डिमांड है। बहुत सारे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक ओपनली और क्लियरली पहुंचने की बहुत आवश्यकता है। जी प्लस लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग करना है तो अपने रेगुलर एजुकेशन छोड़नी ही पड़ेगी। ऑप्शन होना चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं या फिर समर ब्रेक में कुछ नया सीख ले, या फिर वो पढ़ते पढ़ते 1-2 घंटा का दिन में एक कोर्स कर सके। इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है ताकि लोग अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी छोड़ के आने के लिए विवश ना हो। और यदि हम कुछ प्रकार का उनको सपोर्ट दे सकते हैं, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो गाइडेंस हो, मेंटरिंग हो, इस प्रकार की सुविधाओं को भी हम उपलब्ध करना चाहिए लोगों को ताकि वो ले सके। एक और बात युवाओं में जो अभी बहुत कॉमन है कि आज के युवा बहुत कम्पिटिटिव है। इसी माइंडसेट का, इसी साइकोलॉजी का हम काफी उपयोग कर सकते हैं। हम स्किल कंपटीशन रख सकते हैं, और जी हम ये बात आपको मैं बता दूं कि स्किल कंपटीशन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक होती है स्किल कंपटीशन। प्रॉब्लम यह है कि लोग जानते ही नहीं है। इस प्रकार की बातों को हमें लोगों तक पहुंचाने की काफी आवश्यकता है। तो डॉक्टर गुरुंग, आप एक युवा शिक्षक हैं, तो जब युवाओं से मिलते हैं, लोगों से बातें होती है, इंटरेक्शन होती है, तो क्या देखते हैं कि वे आज किस क्षेत्र में ज्यादा आगे जाना चाहते हैं? युवाओं में सीखने की इच्छा तो बहुत है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करा, सीखने की बहुत इच्छा है, पर उनमें हमेशा सवाल ये रहता है कि मैं ये सीखूं कहाँ से पहले, और क्या क्या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ क्या मैं वो अच्छी तरह से सीखूंगा, और मेरे सीखने के बाद में क्या होगा। मतलब एक किस्म का, मैंने जैसे थोड़ा देर पहले आपसे कहा था, लोगों में काफी ये जो अननोननेस है, जो पता नहीं आगे क्या है, ये बहुत बड़ा डर फैला के रखा हुआ है। जी अगर हम युवाओं को ये क्लियर डायरेक्शन दे सकते हैं, जिस प्रकार लोगों को पता होता है क्लियर कि हम यहाँ पढ़ लेंगे तो ये नौकरी मिल सकती है,
उसी प्रकार से क्लियर आइडिया होना चाहिए कि इस कोर्स के बाद मैं ये तो जरूर कर लूंगा, मैं या अपना कुछ शुरू कर सकता हूँ, मैं या फिर किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता हूँ, ये क्लियर लाइन होनी चाहिए। प्लस हमारे युवाओं को, किसी को मैंने देखा है, लोग काफी मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर हो चुके हैं। मैं जब पहले बैंगलोर में पढ़ा रहा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, वहाँ एक स्टूडेंट था, वो काफी अच्छा था फाइनेंस और बैंकिंग में, लेकिन उसे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट थे, जबकि उसका कोर्स में मार्केटिंग, वो फुल फ्लेज मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का भी नहीं था। उसका इतना इंटरेस्ट था कि उसने डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स करी और अब उसने अपना फर्म स्टार्ट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग का, और वो चला रहा है, वो अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बन गया है। इस प्रकार की सुविधाएं, इस प्रकार का रास्ता युवाओं को मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए सोसाइटी से, सपोर्ट, एक पीयर सपोर्ट भी रहना चाहिए लोगों जी के बीच में, की शाबाशी होनी चाहिए कि हाँ तुम ये कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ये एक माइंडसेट पूरी 360 डिग्री, मैंने आपको कहा था, इस प्रकार की एक सुविधा को हम उपलब्ध करना पड़ेगा। तो युवा कौशल विकास के क्षेत्र में आप क्या प्रमुख रुझान देख रहे हैं, यानी क्या जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड देख रहे हैं, और युवा वर्ग इन परिवर्तन के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आगे जिस प्रकार की अभी हमारी प्रोग्रेशन चल रही है, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ चल रही है, बिना कौशल के रोजगार मिलना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। इसलिए अब हमें ये कौशल को ऑप्शन जैसा नहीं देखना चाहिए, कौशल को हमें समझना चाहिए कि जरूरत है, हम तो हम इसे जरूरत के एंगल से देखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। और जितने भी लोग इन्वॉल्व है, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सब लोगों को मिलकर के कौशल को ढूंढना चाहिए, ताकि इस प्रकार का स्किल मुझे लेना है, इस प्रकार की स्किल मुझे कहाँ से मिल सकती है, किस प्रकार के ट्रेनिंग्स मुझे करने होंगे, ये हमें देखना ही पड़ेगा, ताकि हम आगे का फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए तैयार हो सके। अब बस के डिग्री से काम नहीं चलता है, वो आपसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हें ये आता है, वो आता है। जो पूछ रहे हैं, अगर आप एक सर्टिफिकेट के साथ जा सकते हो, कि अगर उन्होंने पूछा कि मुझे क्या पर्टिकुलर कोई स्किल आती है, मैं बोलता हूँ मेरे पास स्किल ही नहीं, मेरे पास सर्टिफाइड है, जी मैंने सर्टिफिकेट करी है, मैंने कोर्स है मेरे पास, या फिर मुझे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू रहता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इंटर्नशिप कर रखी है, मैंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रखी है इन जगहों पे। इस प्रकार से वो जो ऑप्शंस अगर युवा बता सकते हैं, उनके वो दिखा सकते हैं, तो वो लगता है कि वो तैयार है इस नए मार्केट के लिए। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो आपके विचार से आज के युवा, जो अरुणाचली युवा हैं, किन किन क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही उन्हें और किन किन क्षेत्रों में अपने कौशल विकास का ध्यान देना चाहिए? अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द ब्लेस्ड प्लेस, उसमें कौशल की कोई कमी नहीं है। ऐसे जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में देखा, मैंने बहुत भीतरी गांव में भी देखा, लोग सुंदर सुंदर क्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट आराम से बना लेते हैं। हमने देखा है कि लोग ने अपने फोक म्यूजिक को लेके वो विदेश भी चले गए, डेविड आंगूस उनका नाम है, वो जी फोक म्यूजिक लेके बाहर चले गए हैं। हमने देखा है बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं, जो मूवीज में काम कर रहे हैं, सीरियल में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। स्किल की कमी नहीं है अरुणाचल प्रदेश में, बस बात यह है कि हम इन लोगों को कितना सपोर्ट करते हैं, जिन जो स्किल के फील्ड में है या फिर जो एक्सेल कर रहे हैं। ये नहीं है कि हमारे कार्यक्रम में, हर चीजों में हम सिर्फ बस बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाएंगे, हमें इन लोगों को भी आगे दिखाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि देखो आप किसी स्किल में काम कर रहे हो, आप माननीय हो जाते हो, आपको हम सराहना करते हैं। ये सब चीज लोगों को इंस्पायर करती है कि हाँ हम भी किसी स्किल पे काम करेंगे, हम कहीं जाके स्थापना होंगे। प्लस बहुत सारे है हमारे अरुणाचल में, अगर हम बात ही करें तो हमारी इंडिजिनियस टेक्निक है, इंडिजिनियस फार्मिंग टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आर्ट एंड क्राफ्ट है, अरुणाचल के अपना ही ट्रेडिशनल वे ऑफ वीविंग है, हैंडलूम है ये, इसके अलावा हमारी अपनी म्यूजिक सिस्टम है, हमारा अपना हिस्ट्री है, इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं। प्लस नेचुरली काफी रेजिलियंट होते हैं हमारे अरुणाचल के लोग, वो कई बार लोग कहते हैं कि अरुणाचल इतना, मैं जब बाहर निकलता हूँ तो लोग कहते हैं अरुणाचल तो इतना पीछे है, ये नहीं है वो नहीं, वहां पे जब हम देखते हैं कि पूरी स्टेट इतनी आगे डेवलप हो चुकी है और इतना लोग आगे प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो हम ये जरूर देख सकते हैं कि लोग कितने रेजिलियंट है। उन्होंने जो जो काफी लोग कहते हैं ये तो मुश्किल जगह पे है, लेकिन वो अभी तक वो रह के वहां प्रगति भी कर चुके, एक सिंबल है कि यहाँ लोग रेजिलिएंट काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्लस अपना ही तरीका है हमारा सोचने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है क्रिटिकल, बस हमें क्या चाहिए, हम इसे एक सही तरीके में लाना पड़ेगा, ताकि हम इसे सही तरीके से, हम इसको अब इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कैसे करेंगे, स्किल्स तो है हमारे जी पास, बस जी हम इसको कैसे सुंदरता से दिखा सकते हैं, सुंदरता से हम डॉक्यूमेंट में लाएंगे उसे, हम लोगों को दिखा सके, इस चीज की बस कमी है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की बात करते हैं। एवरी ईयर ये कुछ थीम के साथ मनाया जाता है। 2024 का जो थीम है, यूथ स्किल्स फॉर पीस डेवलपमेंट। तो यूथ जो है, पीस डेवलपमेंट के लिए किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, या तो कहें कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? यूथ ही भविष्य को बनाएंगे, जैसे
अब हम देख रहे हैं कि काफी समय से लोग पीस के पीछे दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समूह है, बहुत कुछ है, लेकिन पीस को सही प्रकार से को लाने में हमारे यूथ की का काफी योगदान चाहिए हमें। छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं हम, जैसे कि स्किल्स पे ही ध्यान दे देते हैं। बहुत सारे हमारे जो कन्फ्लिक्ट और इश्यूज होते हैं शायद रिसोर्सेस को लेकर होते हैं, तो जी क्या हम रिसोर्स मैनेजमेंट कोई स्किल सीख सकते हैं? कई बार कई प्रॉब्लम तो हमारे कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो जाती है, तो जी क्या हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं? कई बार हम नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है, हम नेगोशिएशन स्किल्स पे ध्यान दे सकते हैं। और डिजिटल लिटरेसी है जिसका भी हम इस्तेमाल करके काफी नई नई चीजों को सीख सकते हैं। जो मुझे दिख रहा है कि वहां पे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनको, शायद मेरे पास सोल्यूशन हो, और अब तो टेक्नोलॉजी की मदद से शायद मैं अपना सोल्यूशन उन्हें प्रोवाइड भी कर सकता हूँ, क्या जी ऐसे रास्ते हम उपलब्ध कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। दूसरी बात है, अब जब हम समझ चुके हैं कि हमें ग्रीन एनवायरमेंट की काफी आवश्यकता है, हमें सस्टेनेबल लाइफ की काफी आवश्यकता है, क्या हम इसे कैसे प्रैक्टिस में लाएंगे, क्या हम लोगों को सिखा सकते हैं, क्या इसके तहत हम किसी पर्टिकुलर स्किल्स पे काम कर सकते हैं ताकि हम ग्रीन अवेयरनेस कर सके, ग्रीन लाइफस्टाइल रह सके, इन चीजों की जरूरत है। हमें लोगों में सिविक इंगेजमेंट लाने की जरूरत है ताकि यूथ पार्टिसिपेट कर सके, पॉलिसी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके, और वो देख सके कि कैसे हम योगदान दे सकते हैं इस देश के लिए अपने, ताकि शांति रह सके, ताकि एनवायरमेंट डेवलपमेंट रह सके। हमारे हेल्थ सेंटर में भी हम देख सकते हैं कि कैसे हाइजीनिक लिविंग, हेल्दी लिविंग, कैसे अच्छा लाइफस्टाइल हम प्रमोट करके लोगों में इस प्रकार का ज्ञान को हम दे सकते हैं। युवाओं का हाथ में है कि वो इन चीजों को सिखाएं। अब जो हमारे कुछ कुछ लोग हैं, कुछ उम्र हो चुके हैं, तो वो शायद सीखना नहीं चाहते, शायद वो उन्हें पता भी नहीं है, पर यूथ के पास अभी टेक्नोलॉजी है, यूथ के पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, यूथ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। मैं यहाँ रहकर मैं एक अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस यूएस से सीख सकता हूँ, यूके से सीख सकता हूँ, और मैं क्यों ना ये ज्ञान मैं दूसरों को भी दे सकूँ। यूथ का एक्चुअली बहुत बड़ा योगदान है। Dr. Groom, as an assistant professor, what advice do you have for youngsters who want to further enhance their skills and stand out in every competition? For the youths who are interested to enhance their skills, it's very important that they understand that learning doesn't end. अगर हम सोचते हैं कि हाँ मैं ग्रेजुएशन कर लूँ फिर तो मुझे कुछ सीखना नहीं है, मैंने मास्टर्स कर लूँ मुझे कुछ नहीं सीखना है, तो ये हो गया गलत तरीका। हमें ये जानना चाहिए कि सीखना जिंदगी का पूरा पार्ट है और जिंदगी भर सीखना पड़ता है। आप किसी भी बड़े बड़े टॉप फाउंडर्स ले लो, आपके कोई पसंदीदा लीडर होंगे, वो अभी भी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ, रोज पढ़ते हैं, नई किताबें पढ़ते हैं ताकि वो अपने नॉलेज को बढ़ाते ही रह सके। तो ये हम कभी भी अपने आप को ये नहीं सोच सकते कि मेरा हो गया, अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सीखना, ये नहीं काम करता। दूसरी बात है कि हमें कुछ ना कुछ कौशल पे ध्यान दे सके, कुछ अपने इंटरेस्ट से ही हो सकता है, शायद आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट हो, कुछ आपको लगता है कि मेरे एजुकेशन के साथ ये स्किल अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एमबीए कर रहा हूँ फाइनेंस को लेके, तो शायद मैं फाइनेंशियल एनालिटिक्स की कोई कोर्स ही कर लूँ, या फिर मैं जाके कहीं इंटर्नशिप में फाइनेंशियल एनालिटिक्स सीख लूँ, और या फिर मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इस प्रकार की एक आइडिया रहनी चाहिए, एक कोशिश रहनी चाहिए। मैंने लोगों को देखा है जो खुद इंटर्नशिप ढूंढ के जाते हैं, उनकी कॉलेज भी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं चाहते कि वो अपने समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में आराम से रहे, वो चाहते हैं कि मुझे इंटर्नशिप करनी, कुछ नया सीखना है। इस प्रकार का एक माइंडसेट तो बहुत जरूरत है, और जरूरत है ये मान लेना कि फेलियर होते हैं। मैं अपनी लाइफ से बता दूं, मैंने मुझे बहुत कुछ सीखने का शौक था, और मैं बहुत चीजों में कभी कुछ नहीं कर पाया, जी मैंने कुछ किया नहीं हुआ। हमें समझना चाहिए कि ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का, ऐसा जी नहीं है कि मैं कुछ एक चीज नहीं सीख पा रहा तो मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी स्किल है जिसपे हम काम कर सकते हैं, और हम उसको बढ़ाते ही रहे। जी अभी बात है जो हम सब स्किल में काउंट करते हैं, पर लोग या तो पता नहीं या वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है, हमारी बेसिक कम्युनिकेशन एक स्किल है, टीम वर्किंग भी एक स्किल है, लेकिन हम इस पर ध्यान कैसे कर सकते हैं, हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं? और ये स्किल्स वो है जो हमें आगे चाहिए चाहिए। हम किसी भी जॉब में जाते हैं प्रमोशन के लिए, हम इंतजार करते हैं, वहां ये लोग इन इन स्किल्स पर ध्यान देते हैं, तो हम क्यों इंतजार करें कि जब जरूरत हो तभी हम इस स्किल पे काम करेंगे? हमारे समय, जब हमारे पास समय है, हम इस पर कंटिन्यूस काम कर सकते हैं, इनको वर्कआउट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइजेस है, बहुत सारे कोर्सेस है, बहुत सारे तरीके हैं, गेम्स है जिसके थ्रू हम इन स्किल्स पे काम कर सके, तो हम इस पे लगातार काम करना चाहिए। चाहे आप, आपका ड्रीम जॉब कुछ भी हो, आप उस ड्रीम जॉब तक तब पहुंच सकते हैं जब आप अपने आप को इंडस्ट्री रेलेवेंट रखते हैं। बस आपकी डिग्री, चाहे आप बहुत ऊंचे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, लेकिन ये जरूरत है कि आपके पास वो स्किल हो, तो आप खुद ही ढूंढिए आपको क्या स्किल चाहिए, और उस स्किल पे आपको काम करने की बहुत आवश्यकता है। मैं ये बातें तो युवाओं से जरूर कहना चाहूंगा। तो अंत में विश्व युवा कौशल दिवस पर आप युवा श्रोताओं को कौशल विकास के महत्व के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि स्किल, जैसे मैंने थोड़ा पहले बताया था, स्किल ये ऑप्शन नहीं रहा है, अब आपको स्किल होना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि मैंने बीएससी करी है और मैं जिस समय ग्रेजुएट होता हूँ, मेरे साथ 10-20 हजार लोग तो मेरे अपने कॉलेज से ही ग्रेजुएट होंगे, बाकी सारे जगह देखो 1-1.5-2 लाख तो लोग मेरे साथ ही डिग्री लेके आ रहे। अब मेरी डिग्री और उनकी डिग्री में क्या डिफरेंस रह गया? लेकिन अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे इस डिग्री के अलावा मैंने ऐसे काम करा है, मेरे अंदर ये सर्टेन स्किल्स है जो, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के समय में या अपने स्कूल डेज में मैंने इन प्रकार के इंटर्नशिप कर रखी है, मैंने ट्रेनिंग ले रखी है इन सारे चीजों का, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी डिग्री की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के स्किल्स को लेना बहुत जरूरी है अगर हम करियर के साइड से देखते हैं, प्लस अपने लाइफस्टाइल के स्किल्स को भी हमें लेना जरूरी है ताकि हम एक हेल्दी लाइफ जी सके। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों में काफी बीमारियां आम बात हो रही है और मेडिकेशंस, और लोग काफी लोग दवाइयों में रहना शुरू करते हैं काफी यंग एज से, तो क्या हम ऐसा जी सकते हैं, एक लाइफस्टाइल ले सकते हैं जिसमें मुझे दवाइयों के ऊपर भरोसा करके पूरी जिंदगी जीना ना पड़े? तो ये हमारी लाइफ एसेंशियल स्किल्स है, हम इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था काफी सॉफ्ट स्किल्स है जिसपे हम ध्यान, अपने कम्युनिकेशन को लेके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसे बहुत सारे स्किल्स जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं और उस पे हम काम कर सकते हैं। और एक बात है, हम उन स्किल्स पे जरूर ध्यान दें जिससे कम्युनिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है, हम कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सके। वी कैन नॉट बी सेल्फिश, दैट्स द पॉइंट। हम कुछ स्किल्स जो ले रहे हैं हम उसे दे अपने इस कम्युनिटी को भी बात करते हैं। शायद कुछ चीज बहुत तकनीकी हो, लोग समझ में नहीं आता हो, तो क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एआई कल को हमारी हर चीजों में एआई तो आ चुका है और ये हमारे रोजाना जिंदगी का हिस्सा होने वाली है, और शायद ये बातें हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं जानते या नहीं समझ पा रहे, जी शायद हमारे युवाओं को समझ में आ रहा है, क्या वो जी समझा सकते हैं? ऐसे छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान में रख सकते हैं ताकि हम अपना ही नहीं बल्कि पूरी समाज का भला कर सके। और आई जस्ट वांट टू से दैट लर्न प्रैक्टिस एंड इवॉल्व। तो डॉक्टर गुरुंग, आपने हमसे बातें की और वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे से संबंधित इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 MHz है। अभी आप सुन रहे थे विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे आसाम स्किल यूनिवर्सिटी मंगलदोई आसाम के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीप ज्योति गुरुंग से ली गई एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।